उत्तर प्रदेश में एसपी के सदर अखिलेश यादव से मीडिया के नुमाइंदे ने अवैसी से जुड़ा एक सवाल कर दिया। कहा कि अवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनती है मुसलमानों के योगदान से बनती है। अखिलेश यादव ने कहा कि अवैसी सही तो कह रहे हैं, इसमें क्या गलत है। अवैसी उत्तर प्रदेश में 19वीं मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अवैसी की नजर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर है, जहां भी जा रहे हैं वो उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिला रहे हैं और जता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जिन नुमाइंदे की तलाश थी वो वही है। समझ रहे कि 19-20 है, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपकी कोई अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, आपकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ तुम बड़े नारे लगा लो, तुम बड़ा सीना तान लो, मगर सच्चाई बयान कर रहा हूँ, तुम्हारे वोट की भी अहमियत नहीं है। इसीलिए क्योंकि तुमने अपना नेता नहीं बनाया, कौन है तुम्हारा नेता, नाम बोलो मुझे। और अवैसी जो के कह रहे हैं कि 19वीं मुसलमान है और मुसलमानों की योगदान के बाद ही उत्तर प्रदेश में सरकार बन पाएंगी, उसी तरह से अखिलेश यादव ने भी मीडिया के नुमाइंदे को जवाब देते हुए अवैसी की बात को सही कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। मगर अब सुन लो समाजवादी के दल लो, सुन लो मेरी बात को। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। रात में हम पे आए थे, रात हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हैं कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव सुनो, मेरे ख्वाब में असमोली के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे हैं कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्वाब में मुजफ्फरनगर के वो मजलूम मुसलमान जो अपने घरों से बेघर हो गए आकर कह रहे हैं कि कोई तो हमारी हक की आवाज बुलंद करो। मेरे ख्वाब में ये है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे और उस विधानसभा के दरों दीवार को नारे तकबीर और अंबेडकर जिंदाबाद के नारों से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या हाजी रिजवान नेता है मुसलमानों के? वो समाजवादी के नेता है, मुसलमानों के नहीं है। तो आपको समाजवादी का नेता चाहिए या आपको अपना नेता चाहिए? अपना नेता चाहिए तो फिर हिस्सेदारी कैसे हासिल करेंगे, कैसे हासिल करेंगे? वोट डालना पड़ेगा, कामयाब करना पड़ेगा अपने अपने उम्मीदवारों को।